अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं बना रही हूँ एक्स्ट्रा क्रिस्पी चिकन फ्राई चटखारा। इसके लिए मैंने आधा किलो चिकन ले लिया है। ये मैंने चिकन लेग्स लिए हैं, आप असॉर्टेड पीसेस ले सकते हैं चिकन के। और इसको मैंने वॉश करके अच्छी तरह ड्रेन कर लिया है इसका पानी। और इसमें अब इस तरह से गैशेस डालेंगे और इसको डालने से मसाला अंदर तक जाएगा, अंदर तक कुक होगा। तो इस तरह से मैंने सभी पीसेस पर गैशेस डाल लिए हैं। और नेक्स्ट अब इसके ब्राइनिंग की तैयारी करेंगे। इसके लिए यहाँ पे मैंने इनफ वाटर ले लिया है एक बोल में, और इसमें डालेंगे एक टेबलस्पून नमक, और ये है सिरका 2 टेबलस्पून। कोई सा भी सिरका ले सकते हैं, और अगर सिरका नहीं है तो नींबू भी डाल सकते हैं 2 टेबलस्पून। और बस अब इसमें चिकन के पीसेस डालेंगे और इसे अच्छा मिक्स करेंगे कि नींबू, ये सिरका, नमक, पानी और चिकन आपस में चिकन में मिक्स हो जाएंगे। और इसको करने से ये फ़ायदा होगा कि चिकन बहुत जूसी बनेगा, सॉफ्ट टेंडर रहेंगी पीसेस। और बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि चिकन कुक होने के बाद भी अंदर से खून चमकता रहता है, ब्लीड तो नहीं करता लेकिन खून तो चमकता रहता है, तो वो शिकायत इससे 100% दूर हो जाएगी। तो बस इसको करने का बहुत फ़ायदा है। और जो भी चिकन जब भी फ्राई करना हो तो ये वाला स्टेप लाजमी करें, बहुत इससे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो बस मैंने इसे ब्राइन करने कर लिया है, और इसे मैं अब 1.5 से 2 घंटे के लिए रख दूँगी इसी पानी में ढक के। उसके बाद इसके मैरिनेशन की तैयारी करेंगे। तो 1.5 घंटे बाद अब ये देखें, मैंने इसे पानी में से निकाल लिया है, ड्रेन कर लिया और टिश्यू पेपर पे डाल के अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। और अब इसके मैरिनेशन की तैयारी करेंगे। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले लेंगे 1 से 1.5 टेबलस्पून गाढ़ा दही, और साथ में लेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, नींबू जूस लेंगे 1 टेबलस्पून, और कुछ मसाले चाहेंगे इसमें 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून है, ये चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, और ये है ज़ीरा और धनिए को मैंने बराबर क्वांटिटी में लेके रोस्ट कर लिया, उसका पाउडर बनाया और उस पाउडर की 1 टीस्पून ली है, और नमक मैंने 1 टीस्पून लिया है, कुटी काली मिर्च है ये 1/2 टीस्पून। ये सब इसमें चिकन में शामिल कर देंगे, और ये चाट मसाला 1 टीस्पून है, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, कसूरी मेथी पाउडर भी 1/2 टीस्पून है, आटे हैं ये है 1 टेबलस्पून सूजी, 1/2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है, बेसन 1/2 टेबलस्पून है, बेसन की जगह मैदा ले सकते हैं लेकिन कॉर्नफ्लावर डालना लाजमी है, इससे क्रिस्पीनेस आती है। और इसे अच्छी तरह से मसलते हुए मिक्स करेंगे कि बोटियों को मसाज करते हुए अंदर तक मसाला जाएगा उससे। और ये मैंने मिक्स तो कर दिया मसाला, लेकिन मुझे कलर खासा अच्छा नहीं लग रहा था, खुश रंग नहीं आ रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा येलो कलर ऐड किया है, ये ऑप्शनल है, तो मैं येलो कलर डाल के इसे और अच्छी तरह से मिक्स करूँगी अंदर तक, जो ये गैशेस बनाए थे उसके अंदर तक मसाला इसमें फिल करेंगे, और इसके बाद इसे इन मसालों के साथ ढक के रख देंगे मैरिनेट होने के लिए, मैक्सिमम ओवरनाइट या 4 से 5 घंटे मिनिमम इसे रखेंगे। तो यहाँ मुझे चिकन को मैरिनेट किए हुए 3 घंटे हो गए हैं, मैंने इसे ओवरनाइट नहीं किया है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, तो 3 घंटे हो गए हैं। और अब इसे डीप फ्राई करने की तैयारी करेंगे। यहाँ मैंने इसके लिए तेल गरम कर लिया है, ये मीडियम हॉट ऑयल है, मीडियम हॉट ऑयल में चिकन के पीसेस को 1 बाय 1 डालेंगे, और बिल्कुल हॉट ऑयल में नहीं डालेंगे, नहीं तो क्या होगा, बाहर से मसाला जल जाएगा और अंदर से चिकन कच्ची रह जाएगी। तो मीडियम हॉट ऑयल में डालने के बाद इसकी आंच को मीडियम कर देंगे, और इसको तब तक टर्न नहीं करेंगे जब तक कि ये जो मसाला दिख रहा है ये ड्राई, ऊपर से ये ड्राई दिखना ना शुरू हो जाए। अगर कच्चे में इसे टर्न कर देंगे तो मसाला तेल में फैल जाएगा, तो चिकन के ऊपर मसाले को स्टे होने का वेट करना है। इसमें 4 से 5 मिनट लगते हैं मैक्सिमम। जब ये मसाला ड्राई हो जाए उसके बाद इसे टर्न करेंगे। तो देखें ये कितना ये ड्राई दिख रहा है मसाला, ऊपर से गीला नहीं दिख रहा, तो ये टाइम है अब इसे टर्न करने का। तो मैं हर पीस को टर्न कर दूंगी इस तरह से। अब सभी पीसेस को टर्न कर देने के बाद इसे कवर करके रख देंगे कि चिकन अंदर तक पक जाए, और इससे चिकन जूसी भी बनेगी, सॉफ्ट भी बनेगी और फुली टेंडर भी हो जाएगी। तो ये पक जाने के बाद इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे सभी पीसेस को, और गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है। और सभी पीसेस को निकाल लेने के बाद चिकन को ठंडा होने देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। और ये देखें 8 से 10 मिनट बाद ऑयल को अगेन रीहीट करेंगे, बहुत हॉट ऑयल में चिकन के पीसेस को अगेन डालेंगे, और
मैक्सिमम तीन से चार मिनट इस हॉट ऑयल में इसे रीफ्राई करेंगे। इससे जो इसके बाहर की कोटिंग है वो एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाएगी। तो देखें, एक्स्ट्रा क्रिस्पी चिकन फ्राई चटखारा बनके तैयार है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।